जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वर्धे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। हम ये तीन मंत्र शुरू में इसलिए बोलते हैं कि माँ कामाख्या आपकी और हमारी काम कामना को पूरी करे। हर मनुष्य की कोई न कोई इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरी करने वाली माँ कामाख्या है। इसलिए हम बोलते हैं कि कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यानी कामाख्या नाम सुन के कुछ लोग तो डरते हैं, जो श्री रामचंद्र जी की उपासना करते हैं, जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो तंत्र में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो लोग हमारे इस शुरू के कामाख्ये वरदे देवी नाम सुनते ही हमारे यूट्यूब को बंद कर देते हैं। जबकि ये ऐसी प्रार्थना है जो हर मनुष्य के काम की चीज है। इसलिए हम ये प्रार्थना बोलते हैं कि इसमें प्रार्थना में माँ कामाख्या के साथ साथ चामुंडा मैया, चंडी माँ, भद्रकाली, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ज्वाला देवी सभी की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना यदि आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके पापों का शमन होता है। इसलिए हम ये हर YouTube पर जो भी आपको ज्ञान देते हैं, अधिकांशतः ज्ञान देने के पहले हम ये स्तुति बोलते हैं कि कम से कम आपके कुछ पाप तो स्वतः कम हो जाएंगे बिना आपके कुछ किए। इसलिए हम ये स्तुति बोलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस स्तुति को याद कर लें। और रोजाना यदि इस स्तुति का पाठ करते हो तो आपके भी पापों का धीरे धीरे शमन हो जाएगा, आपको खुशियां अवश्य प्राप्त होगी। जैसे इसमें एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अब इसी मंत्र में कम से कम नहीं तो 11 देवियों के नाम हैं। अब यदि एक मंत्र में 11 देवी के नाम यदि आप लेते हैं तो 11 देवियों की कृपा आपको प्राप्त होती है, तो क्यों आप ये मंत्र का जप क्यों नहीं करते? तो हम आपको अभी साधना में सिद्धि के करीब जब साधक होता है तो क्या क्या होता है और रात में ही सिद्धियां क्यों मिलती है, आज इस रहस्य को हम खोलने के लिए जा रहे हैं। और इस रहस्य को खोलने के पहले, जैसा कि मैंने कहा, आपको ये स्तुति का गान करना ही करना है। कोई भी साधना करेगा तो उस मनुष्य को इन मंत्रों को अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि साधना का मतलब ही शक्तियों को साधना, और शक्तियों को साधने का मतलब हो गया तंत्र का ज्ञान स्वतः आ जाना। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय।
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद हरि देवी नारायणी नमस्तुते नीरहार हार धन सार सुधाकर महाकल्याणम दाकनक चंबक दाम्बुषा कुतुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्य एवच सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वालादेवी नमः देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर्गजोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विशुंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा करजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्य कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विज्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां ओम ओम जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मी वंदनां मत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूं ओम ओम माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि जब सिद्धियों के करीब जब साधक होता है तो उसके साथ साथ क्या क्या घटना घटित होती है। और रात में ही सिद्धियां क्यों मिलती है, आज इन दोनों चीज के ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो रात में ही क्यों मिलती है तंत्र सिद्धि, साधना के लिए सर्वोत्तम समय रात्रि का ही माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि सभी प्रकार की साधनाएं रात में संचालित करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि रात में कुछ शक्तियां विचरण करती हैं। अनुभव में भी यही देखने में आया है कि यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियां निशा काल में सफल जल्दी होती हैं, और रात जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही साधना क्रियाएं भी गहरी होती जाती है, और कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं संध्या काल में भी संपन्न होती है, और कुछ साधनाएं ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से सात्विक सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त संध्या रात और दिन का मिलन होता है, और संध्या काल भी जो होता है वह भी दिन और रात का मिलन होता है। तो जब दिन और रात का मिलन होता है उस वक्त में सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती है। हर मनुष्य को उस समय पे जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, पूजा पाठ करते करना चाहिए, या फिर आप यदि काली माँ की भैरव की तांत्रिक साधनाएं करते हो तो ये सिद्धि गहरी रात में ही प्राप्त होती है। अब ये प्रश्न आता है कि रात्रि में ही तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं क्यों फलीभूत होती है, ये सवाल सभी के मन में उठना स्वाभाविक है कि ये रात को क्यों होती है। तीन प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति में, तम रज और सत।
रात्रि को तमोगुण संपन्न माना जाता है और निशा काल जो होता है यह सत संपन्न माना जाता है और रज प्रवृत्तियां सबसे कम प्रभावी होती है एवं तम व्रति पूर्ण प्रभावी होती है। इसलिए वाम मार्ग की साधनाओं के लिए सर्वोत्तम काल होता है रात्रि। दो प्रकार की तंत्र साधनाओं में जैसे दक्षिणपंथी साधना पूर्णतः देविक साधना है जिसके लिए दिन का समय अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु वाम मार्गी साधना रात्रि काल में ही सिद्ध होती है। साधक पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में मौजूद हो, यदि वहां रात्रि का प्रहर आरंभ हो तो ऐसे में वहां सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की उजाला किरणें कम हो जाती है और रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर में ये अधिकाधिक क्षीण हो जाती है। इसी समय सौर नक्षत्र मंडल के अन्य ग्रह तारों का पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ जाता है। साधना क्रियाओं में चंद्र रश्मियों की विशेष महत्वता होती है क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें चंद्रमा जल तत्व का भी कारक है, इसीलिए रात में ही सिद्धियां ज्यादा प्राप्त होती है। और दीपावली की रात भी काली रात होती है, इस दिन भी मंत्र जप करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और अर्धरात्रि स्त्री लग्न हो ऐसे समय पे तो विशेष तौर से सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं। कार्तिक अमावस्या की रात में समस्त किस्म की सिद्धियां साधकों के सबसे बेहद करीब होती हैं, बशर्ते कि उन्हें विधिवत रूप से सिद्ध किया जाए। और यदि लक्ष्मी जी की साधना करना हो तो अमावस्या की रात, दीपावली की रात कमलगट्टे की माला से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप हो सके जप करके दशांश हवन करना चाहिए और उसके बाद 9 कन्याओं को भोजन कराएं, 11 सुहागनों को भोजन कराएं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु दूसरा मंत्र भी है कि ओम ह्रीम श्रीम घंटाकर्णी नमस्तुते ठम 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 ठा 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 स्वाहा। ऐसे आप अपने गुरु से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपावली की रात की साधना के लिए उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करें और साधना करें। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी बीसा यंत्र, सभी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी साधना करते हैं। तो ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसौख्यम प्रदायिने दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय परात्मने लंबोदरम महावीर्यम नाग यज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रम धरम देवम विघ्न व्युह विनाशनम। ये श्री गणेश जी का सभी प्रकार की विघ्न बाधा को दुष्टों का नाश करने का मंत्र है। यानी हमारे यहाँ पे हर प्रकार के देवता जितने भी हैं 33 प्रकार के देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं के सबके शत्रु नाश के मंत्र हैं और सभी के सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के मंत्र भी हैं। आप ये सब मंत्र और विधान पूरा अपने अपने गुरु से प्राप्त करें और जब भी साधना करें गुरु से स्वीकृति लेने के बाद ही करें। गुरु के द्वारा माला और मंत्र भी गुरु से प्राप्त करें।
ताकि गुरु जी की कृपा प्राप्त हो तो आपकी मंत्र में सिद्धियां भी प्राप्त होगी। यदि आप में से कोई भी मनुष्य, धर्म प्रेमी बंधु, स्त्री पुरुष, बड़े बुजुर्ग कोई साधना करना चाहता हो तो साधना कैसे की जाए कि साधना आपकी खाली न जाए, उसके ऊपर हमारे द्वारा किताब लिखी गई है। वो किताब आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स प्राप्त करने के लिए हमारे ट्रस्ट का सदस्य बनना होता है और केवल ये किताबें सिर्फ सदस्यों को ही उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए ये किताब आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। साधना सिद्धि कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी पूरी जानकारी देना होगी। 9893128047 पर फ़ोन करने के बजाय आप व्हाट्सएप करें, अपना पूरा परिचय दें, पूरा पता बताएं, ताकि आपको किताब भेजी जा सके और आप उसका उचित मूल्य ट्रस्ट के खाते में जमा कर सकें। हम हनुमते रुद्रात्मका हूं भट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। और सिद्धि लेने के लिए मैं पुनः शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता देता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय सिद्धि लेने के लिए सबसे अच्छा होता है। संध्या मेला का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है, वो सबसे अच्छा होता है। और एक होती रात को 11:30 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का समय सिद्धि लेने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय पे जब तक हवन अनुष्ठान करने से सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। बाकी और जानकारी आपको किताब से प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी मधुकेटभंती चंड मुंडनाशिनी रक्त बीज विनाशिनी, चुम्बनि शुम्भ मर्दिनी दुमलोचन सनंती सिंहवाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्वशत्रुनाशिनी सर्वशत्रुघातिनी सर्वसृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि शांति दे और निरोगी काया प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।